हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम कंप्यूटर का सेशन चला रहे थे, जिसमें जो छत्तीसगढ़ के जो अपेक्स बैंक के लिए, जो बैंक के लिए जो वैकेंसी आई, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा यहां पे जो सेशन चलाया जा रहा है, तो लगभग सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे बैंक के भी साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, चाहे पटवारी के हो, तो कंप्यूटर का जो सेशन आप जो सेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ में छत्तीसगढ़ के जीएस भी जनजाति लगभग 3 पार्ट अपलोड हो चुकी है। तो इसको नहीं देखेंगे तो जाकर देख लीजिएगा, पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया जा, जो आपके पीएससी के लिए काम आएगा, व्यापम के लिए, साथ ही साथ पीएससी मेंस में भी बैठेंगे उसके लिए काम आएगा। पूरा डिटेल के साथ यहाँ पर कवर कराया जा रहा है। 2-3 पार्ट अपलोड हो चुकी है, तो बढ़िया पार्ट वाइज देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा पढ़ने में। साथ ही साथ मैं करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूँ। करंट अफेयर्स के जो सेक्शन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मिनिमम वहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है करंट अफेयर सेक्शन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। लगभग 30 क्वेश्चन मैं पिछले क्लासेस में कवर कराया था, तो हम 31 से जो है आपका स्टार्ट करेंगे। 2 पार्ट अपलोड हो चुकी है कंप्यूटर का। तो निम्न में से कौन सी जो एक यंत्र सामग्री नहीं है, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, इन सबको तो हम अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर जो प्रचालन तंत्र है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रचालन तंत्र को, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। तो ये आपका यंत्र एक सामग्री नहीं है। प्रचालन तंत्र जो एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, बाकी जो प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, एक आपका, इसको याद रखिए, इसके बारे में पढ़, जो प्रचालन तंत्र एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आती है, तो इसको याद रखिए। इसका जो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है आपके जो है जो प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड, माउस, इसको तो बताया था मैं, ये आपका यंत्र एक सामग्री के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? सुदूर संचार नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क, ये आपके मूल्य योजक नेटवर्क है। तो जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के जो परस्पर जोड़ दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है जी, बताइएगा जी। तो चलिए इसका देखते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क कहलाता है। स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क मतलब इसको लोकल एरिया नेटवर्क बोला जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क, लैन भी बोलते हैं इसको शॉर्टकट में। तो लोकल एरिया नेटवर्क या स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, जब कोई कंप्यूटर को छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों से जो परस्पर जोड़ दिया जाता है, उसको स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क या लैन बोलते हैं इसको, या लोकल यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है, जिसको शॉर्टकट में लैन बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है फाइबर से, सेमीकंडक्टर से, प्लास्टिक से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उस दिन भी बताया था आईसी चिपों का निर्माण किससे किया जाता है, फाइबर से, सेमीकंडक्टर से, प्लास्टिक से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए इसका जो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा जी। तो कंप्यूटर में आईसी चिप लगा होता आपको सभी जानते होंगे, तो आईसी चिप का निर्माण आपके सेमीकंडक्टर से इसका निर्माण होता है। तो हमारे भारत में जो है बेंगलोर सिटी इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। बेंगलोर को इसको सिलिकॉन सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। ये भारत में सबसे बड़ा निर्यातक है, तो इसको याद रखिए, बेंगलोर सिटी, जहाँ पे हमारे इसरो का भी हेडक्वार्टर वहाँ पे बना हुआ है। तो जो आईसी चिप जो होता है, बना होता है, जो इंटीग्रेटेड चिप भी उसको बोलते हैं, या इसको आईसी चिप भी होते हैं, सेमीकंडक्टर से इसका निर्माण किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 34 क्वेश्चन है हमारा। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली नियुक्ति युक्ति, निवेश युक्ति, जिसको हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं, तो आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली जो इनपुट डिवाइस कौन सी है? ट्रैक बॉल, स्कैनर, माउस, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जी, इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है? तो आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली जो इनपुट डिवाइस है आपका माउस हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़े इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। माउस सबसे पहले जो माउस आया था, जो आपके लकड़ी से बन के आया हुआ था, ये आपका ऐसे टाइप का पहले, सबसे पहले, अभी तो ये जो आपका जो अभी जो माउस आ रहा है आपके बिना वायरलेस के आ रहा है। पहले जब माउस आया था, जब स्टार्टिंग में आया था, आपका लकड़ी से बन के आया था, विश्वास नहीं करेंगे। और माउस का आविष्कार किसने किया है, ये जो क्वेश्चन है, तो 1960 में, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, 1960 में जो माउस का जो निर्माण है 1960 में किया गया था, जो अमेरिका के एक इंजीनियर है जिनका नाम है डगलस एंग्लोलबट, याद रखिएगा, डगलस एंगोलबट
जो ये आपके अमेरिका के इंजीनियर हैं, तो डगलस ने ही 1960 में लकड़ी से पहली बार इन्होंने माउस को बनाया था। फिर धीरे धीरे विकसित करते करते गए और आज जो हम माउस यूज करते हैं वायरलेस वाला हम आजकल उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, तो डगलस, बस आप नाम याद रखने हैं, माउस का आविष्कार किसने किया है, तो 1960 में डगलस, यहाँ पे एंगल बटन यहाँ पे किया गया था, तो अमेरिका के आपके इंजीनियर थे, इन्होंने आविष्कार किया था। तो ये इसका बेसिक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पद एमबी, एमबी का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, मैग्नेटिक बिट्स के लिए, मेगाबाइट्स के लिए, मेगाबिट्स के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो एमबी है जिसको मेगाबाइट बोलते हैं, तो एमबी का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एमबी को ही आपका, इसका फुल फॉर्म मेगाबाइट होता है, और इसको मेगाबाइट्स के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो और इसको हम देखेंगे कितना कितना भी कितना बराबर होते हैं, और क्वेश्चन आएगा तो हम उस पर देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मूल निवेश, जो निर्गम प्रणाली जिसको बेसिक इनपुट, और मूल निवेश को बेसिक इनपुट बोलते हैं, और निर्गम जो प्रणाली इसको आउटपुट सिस्टम बोलते हैं, तो कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, ये आपके हार्ड डिस्क पर, ये यादृच्छिक अभिगम स्मृति में, या आपके केवल माउस स्मृति में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मूल निवेश या जो निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान कहाँ पे रहती है, तो ये आपका कहाँ पे रहती है जी, आपके यादृच्छिक अभिगम स्मृति में, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में हिंदी भी रहेगा तो आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए। यादृच्छिक जो अभिगम स्मृति है इसको रेंडम एक्सेस मेमोरी इसको बोला जाता है। तो जो ये आपके कंप्यूटर, ये कंप्यूटर में विद्यमान रहते, तो ये आपका जो बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में कहाँ पे विद्यमान रहती है या उपस्थित होती है, तो ये आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी में होता है, यादृच्छिक अभिगम स्मृति में। तो आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, हिंदी में है तो बगल में इंग्लिश में भी रहे तो दोनों को बढ़िया मैच कीजिएगा, एक बार ऐसे एक बार ये आपका हिंदी में है तो बगल में आपका इंग्लिश में रहेगा, तो उसको भी नज़र डालना है, ना कि गलत ऑप्शन नहीं लेना है, सही लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, मार्कोनी ने, एलन एम ट्यूरिंग ने, या आपका अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा जी, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल के सेशन में भी मैं बताया था सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो याद रखिए, पहले हमारा जो इलेक्ट्रिक नाम नाम को भी आपको याद होना चाहिए। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हमारा एनियाक है, याद रखिएगा, ऐसे रहेगा एनियाक, ये हमारा पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसको एनियाक बोलते हैं। इसका कल फुल फॉर्म भी बताया था मैं, फुल फॉर्म एनियाक का फुल फॉर्म कंप्यूटर, ये जो कम एनियाक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो है जॉन मॉकली और आपका जे प्रेस्पर और जॉन मॉकली, इन दोनों ने 1946 में 19 एक मिनट ना 1946 में इन्होंने इसको विकास किया था। 1946 में इन दोनों ने विकास किया था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का, तो इसको याद रखें। 1946 जॉन मॉकली और जॉन प्रेस्पर, इन दोनों ने यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1945-46 में किया। जैसे ऑप्शन में 1945 है तब भी आंसर ले सकते हैं, 1945 दिए तब भी, 1946 तब भी, दोनों ऑप्शन आपका सही है, तो इसको याद रखिएगा। 45-46 दोनों आप ले सकते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। अगर दोनों में से एक जी ऑप्शन रहेगा, जैसे जॉन मॉकली दिया है तो ऑप्शन लगा सकते हैं, जे प्रेस पर दोनों है तब भी आप लगा सकते हैं, दोनों आपका करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कंप्यूटर की भाषा में एक मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो चलिए जी, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा जी, कंप्यूटर की भाषा में एक मेगाबाइट में कितने बाइट के बराबर होते हैं। तो चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखते हैं, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 10-48-576, याद रखिए 10-48-576 जो बाइट है, ये 10-48-576 जो बाइट है आपके कंप्यूटर भाषा में, इसको मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं, तो 10-48-576 बाइट के बराबर होते हैं। तो ऐसे मोबाइल नंबर जैसे याद करेंगे तो ये आपके हमेशा के लिए याद हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा, 10-48-576 बाइट के बराबर होते हैं। 1 किलोबाइट में कितना होते हैं, 1 किलोबाइट में, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट जिसको हम KB से निरूपित करते हैं,
केबी से, तो 1 किलोबाइट में आपका 1024 बाइट के बराबर होता है, 1024 बाइट के बराबर होता है। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। सुपर कंप्यूटर के लिए, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास जो रेंज होता है 16 बिट तक, 32 बिट तक, 84 बिट तक या 128 बिट तक। चलिए कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा जी। सुपर कंप्यूटर के लिए जो शब्द लंबाई का परास जो रेंज होता है आपका कितना होता है रेंज उसका, तो ये आपका 64 बिट तक होती है, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सुपर कंप्यूटर जो शब्द का जो लंबाई जो परास जो रेंज होती है ये आपका 64 बिट तक होती है, मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 40 क्वेश्चन हमारा। कंप्यूटर वायरस, जो कंप्यूटर में जो वायरस होते हैं, वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं, तो कंप्यूटर वायरस, वायरस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कंप्यूटर वायरस में केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः किसको नष्ट करते हैं, किसको ख़राब करता है, आंकड़ों को, उपकरण को, प्रोग्रामों को या आपके हार्डवेयर को। तो चलिए कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा जी। जो कंप्यूटर में जो वायरस, इसीलिए हम कंप्यूटर के बचाव के लिए हम एंटीवायरस का उपयोग करते हैं, जो कि हमारा कंप्यूटर सुरक्षित रहे, कोई भी जो है आपका जो है इसमें डाटा, मतलब जो कंप्यूटर हमारा सेफ रहे, इसीलिए हम एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोग्राम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कंप्यूटर जो मुख्यतः जो वायरस होते हैं हमारे जो है आपको मुख्यतः किसको नष्ट करते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपके हमारे जो कंप्यूटर में जो प्रोग्राम होते हैं इसको सबसे ज़्यादा यहाँ पे नष्ट करते हैं। मैं कुछ नाम बता रहा हूँ वायरस के जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। जैसे आपका आई लव यू एग्जाम में व्यापम में पूछा गया है, आई लव यू ऐसे करके, आई लव यू हो गया, वार्म हो गया, वार्म, ये सभी जो है आपका कंप्यूटर के वायरस है जो कि बार बार में या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, लिटिल करके है, ये सभी कंप्यूटर के वायरस के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ा जाता है या जोड़ता है, स्कैनर, मॉडेम, सीडी रोम या प्रिंटर। तो निम्नलिखित उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ा जाता है, तो किसको, किससे जोड़ते हैं जी, टेलीफोन लाइन से, स्कैनर, मॉडेम, सीडी रोम या प्रिंटर को। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ में कौन सा हो जाएगा जी करेक्ट आंसर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उस यंत्र का नाम बताना था जो कंप्यूटर के टेलीफोन लाइन से जोड़ने का काम करता है, ये आपका मॉडेम होता है जो टेलीफोन को जोड़ने का काम करता है। अगर मॉडेम क्या होता है, मॉडेम जो है ये आपका एक नेटवर्किंग एक तरह का डिवाइस होता है जिसका प्रयोग आपका एनालॉग जो सिग्नल को यहाँ पर सिग्नल को डिजिटल में जोड़ता है और एनालॉग को आपका परिवर्तित करते हैं। ये जो है आपका जो मॉडेम इसका उपयोग किया जाता है, इसको याद रखिएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपको टेलीफोन लाइन को जोड़ने का काम करता है कंप्यूटर, और ये आपका जो डाटा, डाटा में जैसे आपका जो 0 से लेकर 1 जो है आपका डिजिटल डाटा रूप में आपका निरूपित करता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है, डाटा को, ऑपरेटिंग सिस्टम का, हार्डवेयर का या सॉफ्टवेयर का। तो कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जाता है, तो देखेंगे तो कंप्यूटर सिस्टम में भौतिक रूप से स्पर्श किया जाता है आपके हार्डवेयर को, याद रखिएगा। भी क्वेश्चन पूछा है व्यापम में, व्यापम पीएससी रेलवे वगैरह में क्वेश्चन आया है। तो कंप्यूटर सिस्टम के जो जो भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है, स्पर्श जिसको हम छू सकते हैं, तो ये आपका भौतिक में आपका हार्डवेयर कहलाता है। हार्डवेयर को जो है आपका, अगर मैं उसके यहाँ पे कुछ उदाहरण भी बता रहा हूँ तो इसको याद रखिएगा। और जो आपका जो हार्डवेयर होता है, ये कि कंप्यूटर का भौतिक भाग है, जो आप जैसे आपका हार्डवेयर में आपका कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड के साथ आपका माउस हो गया, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सभी आपके भौतिक बनावट है जिसको हम हार्डवेयर बोलते हैं। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार का है, डॉट मैट्रिक्स जो है आपका किसका एक प्रकार है, टेप का, डिस्क का, प्रिंटर का या बस। इसका तो सभी आंसर पता होगा, ये आपका प्रिंटर का एक उदाहरण है। तो डॉट मैट्रिक्स एक तरह का आपका प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर, ये सभी कई प्रकार के प्रिंटर होते हैं। तो इसमें जो आपका डॉट मैट्रिक्स है आपका इसका एक प्रकार है, तो आपका प्रिंटर का एक प्रकार है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी,
माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है आपके विश्व में जानी मानी कंपनी है, सभी जानते होंगे, तो मल्टीनेशनल कंपनी है। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? सॉफ्ट ड्रिंक से, उच्च गुणवत्ता के सूक्ष्मदर्शी से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से, या मदरबोर्ड से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो माइक्रोसॉफ्ट जो आपके जो कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर के लिए इसको जानी जाती है, जो जितने भी विंडो सीरीज के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ये सभी आपके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। इसको याद रखिए, अगर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात करूँ तो इसकी जो स्थापना कब किया था, तो 4 अप्रैल सन 1975 में इसकी स्थापना किया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका जो है तो यूएसए अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके संस्थापक कौन है, तो बिल गेट्स, नाम सुने होंगे बिल गेट्स और आपका पॉल एलन, ये संस्थापक को दोनों याद रखें। बिल गेट्स ऑप्शन में रहेगा तो बिल गेट्स लगाइए, पॉल एलन है तो पॉल एलन, अगर दोनों दी है तो दोनों आपको आंसर लगाना होगा। तो इसके संस्थापक हैं। अभी वर्तमान में सीईओ कौन है, तो सीईओ अक्सर पूछा जाता है, सीईओ अभी सत्य नडेला हैं। इससे अभी जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो सीईओ अभी सत्य नडेला हैं, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, फिर बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है, या कंप्यूटर के ब्रेन किसको कहा जाता है, सीपीयू को, मॉनिटर को, रैम को, या रोम को? इसका आंसर सभी को पता है, सीपीयू को हो, कल भी बताया था मैंने। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है जो कंप्यूटर का, इसको ब्रेन भी बोला जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है, इसका मेन पार्ट से समझ सकते हैं, जिसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच जाए। तो छत्तीसगढ़ के जीएस आपको कंप्लीट पढ़ना है, तो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो बढ़िया जुड़िएगा, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ की जीएस आपको सब में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, और अच्छे लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, 46 में अगले पार्ट में कराऊँगा। थैंक यू।